आप किसी से प्यार किए थे कि नहीं। और सबसे खतरनाक चीज है कि आपका फर्स्ट पेमेंट पैसा कितना आया था। मेरा वही 10 से 12। सो हे गाइस, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों आप लोग का ऐसा शख्स मिलने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही कम दिनों में वायरल हुए हैं, जो अपना कुचू जो होता है उसको बाजार लेके बेच रहे हैं। तो जो आपको जो होता है कि अपना यद प्रतिष्ठा बोलता है लोग कि ऐसा करते उसको बहुत बोलता था, लेकिन बट वो अपना को वीडियो में कवर किया और अपना बाजार में जाके कुछ बेचने का ट्राई किया, लेकिन वीडियो वो आयल चल गया। तो आप लोग भेंट करवाते हैं साइंट शंकर, जो चैनल का नेम है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे थे साइंट शंकर भैया। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। तो ये साइंट शंकर भैया यही बहुत ही कम दिनों में वायरल हुए हैं साइंट शंकर। तो भैया कुछ कहना चाहते हैं पब्लिक से? हाँ, यही कहना चाहते हैं कि हमको कभी सोचे नहीं थे कि हम वायरल होंगे। सो बहुत ही अच्छा है, भगवान से दुआ करते हैं, बहुत ही आप लोग प्यार और सपोर्ट दें, और भगवान से भी नम्र निवेदन करते हैं, बहुत ही अच्छा किए। तो दोस्तों हमको जैसे प्यार बहुत ही अच्छा दे रहे हैं, वैसे भैया को भी प्यार दीजिए। कहाँ से हैं भैया? हम इधर खाई तरफ हैं भैया, जो हम लोग 300 किलोमीटर चल का है भैया आपके साथ मिलने। हाँ, मोटिवेट हुए हैं इसलिए। खिलाड़ी तरह का जो खिलाड़ी 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 तरफ से आए हुए हैं भैया। इन लोग बहुत ही इन लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे हमको प्यार दे रहे हैं वैसे इन लोग को भी प्यार दीजिए। और हम ही लोग जैसे काम काज करते हैं, देखिए हम लोग भी खेती बाड़ी जो करते हैं वैसे भैया भी करते हैं ना भैया। हाँ, सेम भैया सेम, हम लोग भी आपका जो रीति रिवाज है भैया, हम लोग भी वही करते हैं। जैसे हम लोग का कल्चर है वैसे हम लोग का भी। तो हम सोचिए सबसे पहली बात दोस्तों कि हम लोग को मोटिवेट करते हैं मम्मी, जो मम्मी प्याज से घास को निकाल रहे हैं। चलिए आइए, सब निकाल रहे थे, माँ भी माँ के साथ हम भी निकाल रहे हैं। देखिए हम थोड़ा प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि खुश रहो बेटा। हाँ देखिए, क्योंकि हम लोग के घर में परिवार लोग जो होता है, लोग हम लोग को मोटिवेट नहीं कर पाता, मोटिवेट नहीं करता। हाँ। और हम लोग को जब वीडियो चालू करते हैं भैया तो गाली गलौज करता। हाँ। तो मम्मी जब वीडियो हम लोग दिखाते हैं ना, तब तो लोग भी मोटिवेट होता है, बोलता है कि सही बात है कि पैसा आता होगा, अर्निंग होता होगा, कुछ भी आपका फैन फॉलोइंग बनता होगा। तो मम्मी जो आपको जिस तरह सपोर्ट करता है भैया, हमको हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलता था, बट हम लोग आपका वीडियो जब वॉच करते हैं दिखाते हैं घर में, तो हम लोग का सपोर्ट मिल रहा है। तो भैया आपको वीडियो देखा बहुत मोटिवेट होते हैं, मम्मी वीडियो देख के बहुत मोटिवेट होते हैं कि अपना संस्कृति अपना कल्चर को दिखाते हैं और अपना जो भी होता है उसको दिखाते हैं। हम वही चलाते हैं भैया, धन्यवाद कि आप लोग हम लोग के लिए इतना ज्यादा टाइम निकाले, टाइम दिए। तो भैया आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप किस टाइम वीडियो बनाना चालू किए थे? हम वही अगस्त का लास्ट महीने से 28 तारीख से स्टार्ट किए, अगस्त 28 अगस्त से 2022। भैया आपकी आपका किस टाइम वीडियो वायरल हुआ था और कौन सा महीना आपका चैनल ग्रो किया? तो मेरा चैनल ग्रो किया वही अगस्त में, देखिए 1-2 दिन के बाद ना हो गया। हाँ, तो भैया जब आप वीडियो बना रहे थे उस टाइम से मम्मी साथ दे रहे हैं कि आप कुछ अलग वीडियो डाले थे उसके बाद मम्मी साथ दिए? मम्मी पहले से भी साथ दे रही थी, जैसे कि वो वीडियो में देखे होंगे जो कच्चू बेचकर चावल लेना पड़ा, तो माँ भी साथ में थी। सोचा भैया कि आपका पहले भी कुछ चैनल था उसके बाद वहाँ के उस समझ रहे थे? नहीं नहीं, मेरा चैनल यही पहला है, यही चैनल पहला। आप देखिए दोस्तों पहला है, हम लोग कितना चैनल बर्बाद हो गया भैया, एक ही चैनल में सक्सेसफुल हो गए और मम्मी का देन है, हमको लगता है सोचा मम्मी का देन है। तो यही बात है दोस्तों कि आप लोग इतना ज्यादा प्यार सपोर्ट दे रहे हो, हम लोग दीजिए। तो और बताते हैं कि भैया आप किसका वीडियो देख के मोटिवेट हो वीडियो चैनल चालू किए? तो हम जो इधर गांव देहात जानबे करते हैं, जो हमारे घर के रहने वाले जो मेरे भैया लगते हैं, जो मेरे भैया लगते हैं रंगीला फैमिली ब्लॉग्स, जो अपने भैया हैं, तो उसी का देख करके हम सोचे कि वो ऐसा वीडियो बनाते हैं तो ऐसा तो हम भी बना सकते हैं, जो वो काम करते तो उससे उसी प्रकार हम लोग भी तो काम करते हैं, तो हम लोग भी तो वीडियो बना सकते हैं। हाँ, सही बात। तो इसीलिए हम लोग भी वीडियो बनाने लगे, और विजय रिया का भी देखें तो भी बढ़िया था, तो ऐसा ही हम लोग भी वीडियो बनाने लगे और अभी बना रहे हैं। तो वही बाजार गए, चावल खत्म हुआ था, वो रियलिटी था, तो हम सोचे चलिए चावल खत्म हो गया है तो लोगों को दिखा देंगे थोड़ा कि जो अपना हो रहा है स्थिति वही दिखाएंगे। तो गए पुती लेकर, कच्चू लेकर गए हुए थे, तो इधर गाँव देहात में वही बोलते हैं, तो कच्ची लेके गए बाजार। तो बाजार में पूरा बेचने लगे तो लोग क्या क्या कहने लगे, तो हम उन लोग का बात एकदम नहीं लिए, जो कहने के लिए बात उन लोग का बात कुछ नहीं लिए, उन लोग जो बोलना था पागल वगैरह जो भी बोले तो हम लोग उसका बात नहीं लिए, और हम बेचते गए पुती और हम आ गए घर। तो फिर वही बात, तो 2-4 दिन में सितंबर में वो वीडियो वायरल होने लगा। हाँ, वीडियो पूरा वायरल होने लगा, तो हमको बहुत ही खुशी लगने लगा कि हमको सपोर्ट करने लगे लोग, तो बहुत ही अच्छा लगने लगा अभी भी लग रहा है। भैया आप वीडियो जब
अपना गांव से आलू या कुछ भी लेके बाजार जाते हैं बाजार, तो उस टाइम गांव वाले और बाजार वाले का रिएक्शन कैसा रहता है? बहुत ही अच्छा रहता है, लोग सोचते हैं कि फिर आ गया साइंस वाले शंकर। देखते भैया कि आपको कल ही वीडियो देखे थे कि आप जब जा रहे थे उस टाइम कि आपका फैन भी जा रहा था पीछे पीछे। कौन फैन? मतलब जो होता है आपका सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर भी जा रहा था। सब्सक्राइबर मतलब वहाँ जाते हैं ना, हाँ तो वहाँ जाते हैं तो पूरा एकदम वहाँ घेर लेते हैं तुरंत। मतलब दिखाए हैं वीडियो में कि उन लोग आ जाते हैं, जैसे हम पहुँच जाते हैं वहाँ और उन लोग सोचने लगता है कि आ गए हैं पूरा, और पूरा भीड़ हो जाता है पूरा, तो वहाँ ग्राहक क्या आएंगे तो इन लोग पूरा घेर लेते हैं। भैया हमको लगता है, ऐसा लगता है कि आपका जो लगता होगा जो 5 घंटा बेचने में, अब आप लगता है हमको कि 1 घंटा में खत्म हो जाता होगा माल। हाँ 1-2 घंटा में खत्म हो जाता है। भैया आपको सबसे खतरनाक चीज़ है कि आपका फर्स्ट पेमेंट पैसा कितना आया था? मेरा वही 10 से 12 के बीच आया था, मेरा भी चैनल में देख लीजिएगा वहाँ हम बताए हुए हैं। हाँ ये जो एक होता है ना पूरा सच्चाई जैसे नहीं बता, यूट्यूब का कुछ खिलाफ तो इसीलिए बोल देना 10 से 12 के बीच आया था। हाँ तो भैया आपका चैनल कितना दिन आपका फर्स्ट पेमेंट पैसा आया था? मेरा वही 2 महीना में आ गया था। 2 महीना आपका पैसा आ गया था? हाँ आ गया था। तो देखिए दोस्तों कितना मेहनत के बाद 2 ही महीने में आ गया पैसा, बहुत लोग साल भर करता नहीं लिखने आता है। सुनने में आया था भैया कि अभी जो डाल रहे थे झारखंड वाइंड से नंबर 1, उसका उसका बैलेंस अभी तक नहीं आया है। हाँ नया बात हुआ है। उसके उसके भी आ गए हैं। हाँ वही बात है, लेकिन वो अब वीडियो भी बनाएंगे वो अपना। तो भैया आप यही बोलना चाहते हैं कि आपका जब जब चैनल नहीं था उस टाइम जिस किसी के वीडियो देख मोटिवेट होते थे, उस टाइम आपको ऐसा लगता था कि हम भी चैनल खोल ले या कि नहीं खोलें, उसे लगता होगा? हम भी सोचते थे कि हम भी चैनल खोल ले, बहुत ही अच्छा है। हाँ जैसे उन लोग जैसे वीडियो बनाता है वैसे हम भी तो बना सकते हैं, ऐसे सोच के खोल लें। तो फिर यही हुआ कि पढ़ाई उढ़ाई करते थे तभी तो पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत हो गया तो आ गए इधर। अच्छा भैया करते रांची में रहते भैया, अभी हम लोग को बोलता है बहुत के लोग कि ये सब प्लेटफॉर्म में तुम लोग क्यों लगा रहता है, क्यों ऐसा करते रहता है, तो लोग के लिए क्या निर्देश देना चाहते हैं आप? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग देखिए लोग तो कुछ कहेंगे, चाहे आप अच्छा कीजिए चाहे बुरा कीजिए, कुछ लोग जो सही बात है कहवे करेगा कि फलना बेटवा ये कर रहा है, फलना बेटिया ये कर रही है, ऐसे होता है। तो आप लोग चाहे अच्छा कीजिए चाहे बुरा कीजिए, लोग बोलवे करके सही बात है, इसीलिए लोगों का बात एकदम नहीं लेना है और अपना काम में पूरा। अच्छा भैया सबसे खतरनाक सवाल है, जब रिलेक्शन होता है, जब मतलब आपका जो मेहमान है वो सब बहुत ज्यादा पिताजी हुआ मम्मी हुआ डिमोटिवेट क्यों करता है कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा आपका बेटा वैसा कर रहा है, वैसा लेसन वाला क्यों ऐसा करना चाहता है? जैसे गांव देहात है ना भैया, तो गांव देहात में कोई नहीं जानता है कि ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। सबसे मेन यही है कि गांव देहात का इधर लोग खाता है रोजी रोटी, जमीन में करता है काम काज करता है किसानी, तो लोग नहीं जानता है कि यूट्यूब से भी पैसा आता है, नहीं लोग जानता है। तो इसीलिए इधर गांव देहात का लोग थोड़ा खराब बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे भैया हम लोग चालू किए थे, मेरा एक चैनल था कॉमेडी वाला, जैसे हम लोग बच्चा बहुत भी सपोर्ट करता है, जिसमें आपका वीडियो बहुत देखता है लोग, तो बहुत देखता है, बहुत देखता है आपका वीडियो, और बहुत देखना भी चाहिए। हाँ और हम चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग आपका वीडियो देख के मोटिवेट हुए हैं, हम लोग का वीडियो कोई देख मोटिवेट हो वैसा हम लोग सोच रहे हैं भैया। तो आप यही चीज बोलना चाहते हैं भैया कि आप बहुत ही कम टाइम हम लोग आपके लेते हुए बोलते हैं, कितना ज्यादा मूल बहुमूल के टाइम दिए, इसके लिए भैया आपको धन्यवाद। वेलकम। तो दोस्तों आप हम साइंस शंकर से पूरा मिल गए और बहुत अच्छा से आपको क्वेश्चन पूछ दिया, सभी जवाब भी दिए। तो सबसे बहुत कि आप लोग मिलना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके पूछ लेते हैं कि आपको कहाँ पड़ता है एरिया। तो दोस्तों ये आ सकते हैं जो रामगढ़ जिले में हम लोग को गोला प्रखंड पड़ता है, तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो एक बार जरूर हमसे इंस्टाग्राम में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके हाय हेलो कर लीजिएगा और हम वहाँ नंबर दे देंगे तो आ जाएगा मिलने के लिए। तो काफी इधर दिक्कत होता है क्योंकि सही में हम लोग का 300 मीटर घूम का हम लोग पहले पता होता तो हम लोग 250 से कम ही पड़ता हम लोग पहुंच जाते भैया। और इधर भी टेम्पो भी नहीं चलती, गाड़ी दुचक्का खाली चलती। हाँ दुचक्का चलता है, दुचक्का खाली इधर आती है तो और कुछ नहीं आती है बस। अच्छा भैया आप कितना तक पढ़ाई किए थे? बस हम 11th किए हैं और 11th में छोड़ दिए हैं साइंस लेकर। अच्छा भैया सबका क्वेश्चन रहता है कि सबसे मोटिवेट वाला क्वेश्चन रहता है कि आप किसी से प्यार किए थे कि नहीं? वो तो नहीं किए हैं। मम्मी सामने शर्मा के मत बोलिए, जो हकीकत है वो बोलिएगा। नहीं सब नहीं किए। हाँ तो वही बात है क्योंकि क्वेश्चन भैया सभी के दिमाग में ही रहता है, आपका कमेंट आप पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे, रहता ही नहीं तो बोलिए भैया रहता है, इसलिए आपका सामने बोल रहे हैं, मम्मी के सामने पूछ रहे हैं कि हकीकत जो है वही चीज पूछ रहे हैं भैया आपको। बहुत देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा स्टार लोग होता है, लोग छिपा चलता है, अचानक लोग बाहर कर देता है, लोग माँ बाप को देता है हेडेक होता है तुमसे। तो इसलिए तो हम यही
आपका आपके से मिलने से पहले मैं आपका चाहे आपका वीडियो जो होता है उसे सब सभी कमेंट में पढ़े थे, तब आपको क्वेश्चन कर रहे भैया तो नहीं करते, क्योंकि ऐसा हमको थोड़ी पता चलेगा आप कहाँ से क्या करना चाहते थे, इसलिए आपको कमेंट पढ़े और बहुमूल्य टाइम दिया भैया, तो धन्यवाद। ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए भैया। आपका चैनल का नाम क्या हो भैया? केटिया झारखंड ब्लॉग। केटिया झारखंड ब्लॉग, तो दोस्तों भैया का चैनल का नाम है केटिया झारखंड ब्लॉग्स, उस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें, जैसे हमको प्यार दुलार सपोर्ट कर रहे हैं वैसे भैया को भी प्यार दुलार सपोर्ट कीजिए, इसका भी बहुत जरूरी है का भैया? ठीक है भैया। हाँ, हमको भैया जैसे हम भी मेहनत करें भैया भी बहुत ही मेहनत करें, क्योंकि 300 किलोमीटर बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि तेल जला के आए हुए हैं बहुत ही दूर से। हमको लगा भैया कि आपसे हम बहुत पहले मिल चुके हैं, मेरा कुछ रिलेशन है आपके बारे में, ऐसा हमको मिले हमको दिल खुश कर दिया भैया। हाँ, तो भैया हमको ऐसा लगा ना आपको से मिल के कि हमको 300 किलोमीटर चल गए, हमको लग रहा है कि घर के सामने आपका घर है, ऐसा हमको लग रहा है। तो हमको यही फीलिंग, हमको इतना अच्छा लगा भैया कि आपको मिले तो हमको इतना अच्छा प्यार दिए, दुलार दिए और मम्मी का प्यार ऐसा मिला हमको कि लगा दोस्तों कि कितना दूर जाइएगा, जैसे मुकाम हासिल करने के लिए आप कितनी दूर जाइए जा रहे हैं और आपका प्यार दुलार मिल रहा है तो कोई दूर का पता नहीं चलता है। उससे मेरा भैया हम लोग हैं, इतना अच्छा हम लोग का प्यार किए हमको लग रहा है हमको पहले से रिलेशन है भैया का, वैसे लग रहा था। धन्यवाद दोस्तों कि इतना ही वीडियो लंबा नहीं करते हुए, थैंक यू दोस्तों। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, बाय बाय।